सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर YouTube चैनल 194R। बजट 2022 में गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है 194R, और इस पे लिखा हुआ है TDS ऑन गिफ्ट। तो ये सेक्शन क्यों लाया गया, कैसे अप्लाई होगा और मेन रीजन क्या रहेगा, उसका हम डिटेल में आज रिव्यू करेंगे। सबसे पहले सेक्शन लाया गया 94R के आने से पहले बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत सारे खर्चे करता था, साथ में बहुत सारे गिफ्ट या परचेज अदर पर्सन को बेनिफिट के लिए देता था, तो उसको वो अपने प्रॉफिट लॉस में एज एक्सपेंस क्लेम कर लेता था। लेकिन सेकंड पर्सन जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो उसको कहीं भी शो नहीं करता था, और रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि सेकंड पर्सन भी उसे एज ए इनकम ट्रीट करे। तो अब क्या होएगा, 194 आने के बाद जब भी कोई बेनिफिट या गिफ्ट या परचेज बिजनेसमैन दूसरे को देगा तो वो उसे टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, तो सेकंड पर्सन के पैन कार्ड में वो शो होएगा और उसे उस बेनिफिट को एज ए इनकम शो करना पड़ेगा। अब बात रही टीडीएस का रेट क्या रहेगा, टीडीएस का रेट रहेगा 10%, और लिमिट रहेगी 20,000 से ऊपर, मतलब 20,000 तक कोई गिफ्ट या प्रगति एक पर्सन को मिला है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होएगा। और एक कंडीशन और भी है कि इस तरह गिफ्ट हो कि वो बिजनेस इनकम में फॉल कर जाए, अगर बिजनेस इनकम में फॉल नहीं करेगा तो उस पर भी 194R अप्लाई नहीं होगा। एक इसमें डाउट आ रहा था कि क्या सैलरी में प्रगति या बेनिफिट जो एम्प्लॉय को देता है वो भी इसमें कवर हो जाएगा, तो वो यहाँ प्रीव्यू से वार है क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में कवर है, तो इस सेक्शन में उसको कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही कवर किया गया है। एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का और मिस्टर बी एक होलसेलर है। मिस्टर ए बी के पास जाता है कि मेरे को कुछ आइटम लेनी है तो आप मेरे को सेल कर दो, मिस्टर बी उसको सेल कर देता है। उसके बाद मिस्टर ए रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे को कुछ डिस्काउंट दे दो, तो मिस्टर बी उसको कहता है डिस्काउंट की जगह मैं आपको एक 5-star होटल में रूम बुक करवा देता हूँ, साथ ही एक कार गिफ्ट कर देता हूँ। तो 194R के आने से पहले क्या होता था, मिस्टर बी जो भी एक्सपेंस ए पे कर रहा है उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में क्लेम कर लेता था, और मिस्टर ए उसको कहीं भी शो नहीं करता था। और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, मिस्टर ए को बी से कुछ डिस्काउंट मिलना था जो एज ए इनकम ट्रीट होना चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट ना देखकर मिस्टर बी ने इन काइंड बेनिफिट दे दिया, और जिससे मिस्टर ए की इनकम कम हो गई। आज के दिन या 194R आने के बाद मिस्टर बी जो भी परचेज या बेनिफिट ए को दे रहा है वो मिस्टर ए की इनकम बन जाएगा। कैसे बनेगा कि मिस्टर बी को उस सारे अमाउंट पे टीडीएस काटना है जितने बेनिफिट वो उसको दे रहा है, अगर बेनिफिट का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है। तो सिचुएशन तो आप समझ गए कि 194R आने की वजह क्या है। अब बात रही अप्लाई कब होएगा, तो अगर लास्ट ईयर 21-22 का टर्नओवर आपका बिजनेस का 1 crore से ज़्यादा हो, प्रोफेशन का 50 lakh से ज़्यादा हो, और एक सिंगल पर्सन रेजिडेंट या इंडिविजुअल को हम 20,000 से ऊपर का गिफ्ट दे रहे हैं, तो 194R अप्लाई हो जाएगा और TDS का रेट रहेगा 10%, और TDS की सारी फॉर्मेलिटीज उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एक वो सेक्टर कवर किया जो बहुत टाइम से नोटिस में था, लेकिन अब वो नोटिस में आ गया है, और 1 जुलाई 2022 से गिफ्ट या प्रक या बेनिफिट भी TDS के प्रीव्यू में आ गया है। इसी में वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।